खबर चमोली से। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में अब कसरत तेज होने लगी, इसलिए लगभग सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चार्ज करने के लिए तमाम तरह के कार्यशालाओं को आयोजित करने लगे हैं। जहां सत्ता पक्ष अपने विकास कार्यों का बखान कर उसे कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दे रहा है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की कवायद में जुट चुके हैं। अब ये तो चुनावी समर के वक्त ही बताएगा कि राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप का ऊंट किस करवट लौटता है। हम फिलहाल बात करते हैं चमोली जिले में। बृहस्पतिवार को भाजपा के शक्ति केंद्र कुलसारी में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पार्टी पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों की पंचायत भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। शक्ति केंद्र में कार्यशाला के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भोपाल राम टमटा, जो विकास कार्य अभी अछूते रह गए हैं, उन पर भी समय रहते हुए बहुत तेजी से काम किया जाएगा। शक्ति केंद्र प्रभारी डॉक्टर भगत सिंह नेगी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस छन पार्टी है और भाजपा की जनहितैषी नीति और रीति से लोगों को लाभ मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को आज से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट जाना होगा, ताकि राज्य में भाजपा की सरकार पुनः स्थापित किया जा सके। इस शक्ति केंद्र बूथ सत्यापन बैठकों में हमने जो है कि प्रत्येक बूथ समिति का सत्यापन, पन्ना प्रमुख और जो भी हमारे बेले सबका जो है कि सत्यापन करके जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको प्रत्येक बूथ पर जा कर के जनता को अवगत कराना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में शक्ति केंद्र बैठकों का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो धन्यवाद धनेतर जी आपका। कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है 70 सालों में कभी ये काम नहीं हुआ। हमारे माननीय अटल जी से लेकर आप देख लीजिए, मोदी जितना काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, देश नहीं प्रदेश के अंदर, दिल्ली से लेकर यहाँ आपके कुलसारी तक, जिला चमोली तक सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है और इतनी सड़कें शायद कभी कटी हो। जो काम पिछली सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, कभी इतना काम नहीं हुआ है। धरातल पर हमारे काम है, आप देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सड़क के क्षेत्र में देखिए, हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबूत हमारे सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लोग देख रहे हैं। जब हमारे माननीय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारे खंडूड़ी जी स्वतंत्र प्रभार में चतुर्भुज इन्होंने सड़कों की रचना की है, और तब से लेकर आज तक हमारे क्षेत्र में देख लीजिए इतना सड़कों का जाल हमने बिछा हुआ। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, इस कोविड के तहत आपने देखा होगा, आज अगर माननीय मोदी जी की सरकार नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो शायद कोविड के तहत लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। इतना हमने राशन फ्री का बंटवाया पूरे क्षेत्र में, लोगों तक राशन पहुँची, दवाइयाँ पहुँची, मास्क पहुँचे, सैनिटाइजर पहुँचे, और बहुत कम समय में हमने वैक्सीन बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन बनाई, मोदी जी ने वैक्सीन बनाई, सब लोगों ने वैक्सीन बनाई। ये वैक्सीन आपने देखा होगा, चाहे पोलियो की सालों लग जाते थे पोलियो की वैक्सीन बनाने में, कई जो भी हैं, मैं ये ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि पिछला जो कार्यक्रम है, लेकिन हमने मात्र 1 साल के अंदर वैक्सीन का निर्माण किया और घर घर तक वैक्सीन पहुँचाई, और लगातार हम ये काम कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेतरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।